दोस्तों स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसमें हम न्यूज़पेपर का एनालिसिस करते हैं और द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस दोनों के ही एडिटोरियल्स का एनालिसिस हम यहाँ पर करते हैं जिससे कि आपको दर बदर भटकना ना पड़े तो आइए आज हम यहाँ पर फोर्टीन जनवरी का जो एनालिसिस है वो देखते हैं 6 पी एम शो होता है तो अगर आपको नोटिफिकेशन आए या ना आए क्योंकि काफ़ी लोगों को जो नोटिफिकेशन है वीडियो अपडेट्स की वो नहीं आ रही है लेकिन फिक्र करने की जरूरत नहीं है छह बजे जो वीडियो है वो अपलोड हो जाया करता है तो इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं मैं मयूर मोगरे आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप मैसेज कर सकते हो पीडीएफ के लिए और वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है तो आइए एक्सप्लेन सेक्शन पर नजर डालते हैं यहां पर एम रिस्क ओ कैसे काम करता है इसके बारे में बात की जा रही है देखिए हमें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट विन्वेस्टमेंट का खेल नहीं खेलना है है ना इसलिए ये करके कोई मतलब नहीं है ये वाला भी जो आर्टिकल है ये भी हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला अगर हम देखते हैं श्रीलंका तमिल क्वेश्चन यही सारी चीज़ें चल रही है ये भी हमारे एग्जाम परस्पेक्टिव से इम्पॉर्ट नहीं है यहाँ पर मोर इफेक्टिव नैनो बॉडीज तो नैनो बॉडीज़ क्या होती है नोवेल कोरोना वायरस से फाइट करने में कैसे काम आती है इसके बारे में हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे आइडियाज़ पेज एडिटोरियल पेज अगर हम देखते हैं इसमें बजट फॉर आर टाइम जैसे मैंने आपको कहा है कि बजट जो है वो आने वाला है फर्स्ट फेब को तब तक बजट में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए इस पर बहुत सारे लोग जो अपनी ऐश्वर्य राय देते रहेंगे लेकिन हमें यहाँ पर इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है हमें यहाँ पर देखना नहीं है क्योंकि जब बजट इकोनॉमिक सर्वे आएगा वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट डेटा रहेगा अगर हम बात करते हैं यहां पर रनिंग अवे फ्रॉम हाउस तो यहाँ पर गवर्नमेंट जो है बीजेपी जो है यहाँ पर प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग नहीं कर रही है पार्लियामेंट फंक्शन नहीं कर पा रहा है इसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है देखिए पार्लियामेंट के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर आप 2017 से लेकर तो 2020 तक देखोगे तो आपको मेंस में इस पर क्वेश्चन जो है वो दिखाई देगा इसलिए क्या है हमें यहां पर ढांचे बनाने पड़ते हैं जैसा मैं आपको हमेशा कहता हूं कि ढांचा बना लो है ना मेन सेंसर राइटिंग का जो कोर्स है उसमें हम यही कर रहे हैं कि ढांचा बना रहे हैं तो ढांचा हम जब बना लेते हैं तो आपको कोई भी आनंद हो ना आप उसका जवाब लिख पाओगे पार्लियामेंट की जब हम बात करते हैं तो इम प्रॉपर फंक्शनिंग जो हो रही है अभी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो पा रही है उस पर अगर हम यहाँ पर पांच पांच पॉइंट बना लेते हैं तो अपने आप हमारा जवाब जो है वो तैयार हो जाएगा अगर हम बात करते हैं एडिटोरियल पेज की इसमें ये वाला जो आर्टिकल है कि लोग जो है उनको यहाँ पर कोविड नाइन्टीन की वैक्सीन पर भरोसा होना चाहिए उसके बारे में बात की जा रही है सेम वही चीज हमें यहाँ पर द हिंदू जो है उसमें भी देखने को मिल रही है बिल्डिंग ट्रस्ट इन द वैक्सीन मतलब लोगों को भरोसा आना चाहिए है, है ना लोगों को अगर भरोसा ही नहीं रहा तो फिर तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी लोग कैसे भरोसा कैसे करेंगे है ना तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है ये वाला जो है एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है कि हमें क्या करना चाहिए प्रॉपर जो हम वैक्सीनेशन है उसका इंप्लीमेंटेशन के लिए क्या करना चाहिए तो आठ रास्ते यहाँ पर बताए गए हैं आठों रास्तों को हम यहाँ पर सही तरीके से देखने की कोशिश करेंगे ये वाला अगर हम देखते हैं तो अगेन यहाँ पर हमारे एग्जाम परसपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट नहीं है अगर हम तो दे हिंदू देखते हैं तो उसमें ये वाला जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन वैलिटी एंड होप ये वाले आर्टिकल को हम देखेंगे हम फार्मर्स लॉ के बारे में बात नहीं करने वाले हैं ठीक है आपने देखा इंडियन एक्सप्रेस में उस पर कुछ देखने को नहीं मिल रहा है अब यहाँ पर द फार्मर्स लॉ जो है उसके बारे में हम नहीं देखेंगे लेकिन बेसिकली यहाँ पर कुछ पॉलिटिक्स से रिलेटेड चीज़ें हैं जिस पर हम यहाँ पर नज़र डालने वाले हैं मतलब कुछ स्पेसिफिक आर्टिकल्स हैं जिस पर हम नज़र डालने वाले हैं तो इसे हम देखेंगे बाकी यहाँ पर अगेन फार्मर्स हम नहीं देखने वाले हैं ये पाकिस्तान टेरर यहाँ पर यू एस ब्लो अगर आपको पता होगा जो डोनाल्ड ट्रंप है वो पहले ऐसे राष्ट्रपति बने हैं जिन्हें दो बार इम्पीच किया गया है हाँ दो बार इम्पीच किया गया है इम्पीचमेंट की प्रोसेस क्या है वो तो हमने देखी हुई है लेकिन फिर भी एक आधा वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मैं पूरी प्रोसेस जो है फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा तो इस तरीके से हमें ओवरऑल आज के जो लेक्चर्स है आज के जो आर्टिकल्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं और चलिए एक एक करके आर्टिकल्स देखते हैं डेमी ऐप को आपने डाउनलोड किया है नहीं क्योंकि मेरे द्वारा जो कोर्सेस लाए जा रहे हैं मतलब मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीटली अवेलेबल है भाई साहब जो इंडियन पॉलिटी है कंप्लीटली अवेलेबल है एंशियंट हिस्ट्री कंप्लीटली अवेलेबल है जो एथिक्स है कंप्लीटली अवेलेबल है तो इस तरीके के आपको जो लेक्चर्स है आपको जो कोर्सेस है वो आपको एमएम अकेडमी ऐप पर देखने को मिलेंगे और आप यहाँ पर हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट एंजॉय कर सकते हो और ये जो हाई क्वालिटी कंटेंट है ना किसी को बताना मत लोवेस्ट प्राइजेस पर है इतने कम प्राइजेस है इतने कम प्राइजेस है क्योंकि हमारी टैग लाइन ही है कि हर गांव से सितारे निकलेंगे और हर गांव से हम सितारे निकाल कर रहेंगे इसलिए इतने कम प्राइजेस में कि जो एजुकेशन है क्वालिटी एजुकेशन है ये हर गांव तक जाए हर इंसान तक पहुंचे और पैसों के वजह से जो एजुकेशन है उसको ना छोड़े अपने जो ड्रीम्स है उसको ना मारे इसीलिए हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट को एंजॉय कीजिए आपके मोबाइल फोन में जहां पर आपको सभी जीएस वर्ड टू थ्री फोर आप यूपीएससी बोलिए स्टेट पीएससी बोलिए किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ये जो प्रिपरेशन है इसमें चार चांद दस चांद पंद्रह चांद बीस सौ आपको यहां पर देखने को मिलेंगे तो इसलिए फटाफट डाउनलोड कीजिए एकेडमी ऐप और वीडियोस को कीजिए। सबसे पहले यहां पर हम देखेंगे नैनो बॉडीज के बारे में तो हमारे जीएस पेपर थ्री के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर हम खासकर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो देखिए इंटरनेशनल रिसर्च टीम यहां पर लेड की जा रही है बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ बोन जर्मनी उन्होंने आइडेंटिफाई किया है एंड फर्दर डेवलप नोवेल एंटीबॉडी फ्रेगमेंट्स जिसे हम नैनो बॉडीज कह रहे हैं क्या है ये बेसिकली फ्रेगमेंट्स है है ना फ्रेगमेंट्स फ्रेगमेंट्स का मतलब क्या होता है टुकड़े अब हमारी जो एंटीबॉडीज है उसका यहाँ पर फ्रेगमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं जिसे हम नैनो बॉडीज कह रहे हैं अगेंस्ट सार्स को टू ठीक है जो यहाँ पर कोविड नाइन्टीन फैलाता है अब देखिए नैनो बॉडीज जो है वो क्या है नैनो बॉडीज या एंटीबॉडी के फ्रेगमेंट्स है मतलब समझ लीजिए हमारे पास अगर टोटल एक एंटी एंटीबॉडी क्या है एंटीबॉडी मतलब है कि हमारी पर्सनल आर्मी मतलब क्या है कि अगर कोई भी एक वायरस है वो अगर हमारे शरीर को ठीक है हमारा अगर शरीर है हमारे शरीर को अगर इन्फेक्ट करता है तो हमारा शरीर जो है उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ क्रिएट करता है ये जो एंटीबॉडीज़ है ये अगर हमारे शरीर में आ जाते हैं इसका मतलब ये है कि हमारे बॉडी पर उस वायरस ने इन्फेक्ट किया था और हमारी बॉडी उस वायरस से लड़ने के लिए उसने एंटीबॉडीज तैयार किए फिर उस वायरस से लड़ लेती है हम रिकवर्ड हो जाते हैं और ये एंटीबॉडीज है हमारे शरीर में रहती है है ना अब एंटीबॉडी जो है उसके फ्रैगमेंट अगर हम देखते हैं तो फिर हम यहाँ पर नैनो बॉडीज जो है ये देखने को मिलता है ठीक है अब ये अगर आप देखोगे एंटीबॉडी फ्रेगमेंट दैट आर सो सिंपल दैट दे कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया और येस्ट ठीक है ये हमें देखने को मिलता है इज लेस एक्सपेंसिव मतलब यहां पर अगर आप देखोगे तो कन्वेंशनल एंटीबॉडीज यहाँ पर आप देख सकते हो क्या है कन्वेंशनल एंटीबॉडी इस तरीके से हमें कन्वेंशनल एंटीबॉडी देखने को मिलती है जिसमें वी एच देखने को मिलता है वी एच देखिए मैं अगेन आपको बोल रहा हूँ कि हमें पी नहीं करनी है बस आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन रहनी चाहिए ठीक है हाँ यहां पर जब हम कोर इसमें जाते हैं तो कोर इसमें आपको जाने की जरूरत नहीं है लेकिन हमें यहाँ पर बेसिकली ओवरव्यू देखना है. है ना डिटेल में अगर मैं आपको जाऊँगा तो एक या दो घंटे लग जाएंगे लेक्चर में उसमें कोई मतलब नहीं बनेगा अब यहाँ पर वी एच होता है यहाँ पर वी एच एच होता है ये बिल्कुल सही है लेकिन इतना डिटेल में आपको नहीं पूछा जाएगा आपको यही पूछा जाएगा नैनो बॉडीज जो है वो अक्सर हमें न्यूज़ में देखने को मिलती है वो क्या है एंटीबॉडी फ्रेगमेंट्स या फिर आपको ऐसा बोला जा सकता है दे आर दे कैन बी प्रोड्यूस बैक्टीरिया और येस्ेट है ना एंड लेस लेस एक्सपेंसिव होते हैं ऐसे आपको कुछ सेंटेंसेज जो है वो दिए जा सकते हैं तो यही सेंटेंसेस पर आपको फोकस रहना है बेसिकली अगर आप देखो कन्वेंशनल एंटीबॉडीज हेवी एंड लाइट चेन बोथ चेन रिक्वायर्ड फॉर एंटीजन बाइंडिंग एंड स्टेबिलिटी ठीक है यहाँ पर अगर आप देखोगे बॉडी अगर हम देखते हैं यहाँ पर साइज जो है काफी छोटा होता है है ना उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो जो इफिशियंट प्रोडक्शन है ये हमें देखने को मिलता है और एडमिनिस्ट्रेशन टू इंजेक्शन एंड इनहेलेशन तो ये इस तरीके से हमें यहाँ पर एंटीबॉडी देखने को मिलती है वी एच एंड वी एच एच ये डिफरेंस आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत पता रहना चाहिए है ना जैसे कि यहाँ पर वी एच एच एंटीबॉडीज जो है ये यह यहाँ पर कहा जाता है ओके okay, एंड ये जो है अल्टरनेटिव होते हैं कन्वेंशनल एंटीबॉडीज के जो हमारी कन्वेंशनल एंटीबॉडीज है उसको बनाने में तकलीफ मतलब बेसिकली हम एंटीबॉडीज ही देते हैं ना एंटीबॉडी जनरेट हो वैक्सीन के थ्रू भी हम क्या कर रहे हैं हमारे शरीर में एंटीबॉडीज है वो तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं है ना तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है अब यहाँ पर प्रोड्यूस्ड अलॉन्ग विद एंटीबॉडीज अगर आप देखोगे ऑन इंजेक्शन ऑफ सरफेस प्रोटीन ऑफ द कोरोना वायरस ठीक है अगर आप देखोगे इम्यून सिस्टम जो है नॉट ओनली प्रोड्यूस एंटीबॉडीज जो वायरस के अगेंस्ट में काम कर रही है सिर्फ अगर हमें यहाँ पर अगर हम देखें तो स्ट्रेन जो है अगर हमारे शरीर में जाता है सिर्फ एंटीबॉडीज है वो तैयार नहीं हो रहे हैं बट ऑल्सो सिंपलर एंटीबॉडी वेरिएंट जो यहाँ पर बेसिस ऑफ नैनोबॉडी जो है वो बन सकता है वो भी यहाँ पर सर्व किया जा रहा है अब ये अगर आप नया अप्रोच देखोगे ये यह यहाँ पर पैथेजन को प्रिवेंट करेगा कि वो यहाँ पर म्यूटेशन जो है वो यहां पर ना करने तो क्या होगा कि हमारे शरीर में समझ लीजिए हमारा शरीर है उसमें अगर वायरस ने इन्फेक्ट किया हमारे शरीर में एक एंटीबॉडी जो है वो तैयार हो गई ये हमारी पर्सनल लाइन भी तैयार हो गई इसने क्या किया इसने वायरस ने खुद को म्यूटेट कर दिया म्यूटेट कर दिया अलग हो गया उसके लिए एंटीबॉडी जो हमारे शरीर में नहीं है तो हमारा शरीर इन्फेक्ट हो गया है ना तो यहां पर बेसिकली क्या है फ्रॉम इन्वेडिंग द इफेक्ट ऑफ एंटीबॉडीज थ्रू म्यूटेशन तो ये यहां हाँ पर क्या है म्यूटेशन के थ्रू भी यहां पर हमारे ऊपर वो ट्रिक नहीं फैला सकता है ऐसी एंटी नैनो बॉडीज जो है वो यहां पर हमें देखने को मिल रही है तो इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन आपको रहनी चाहिए अब यूज अगर हम देखते हैं तो नैनो बॉडीज जो है ये स्मॉलर देन द क्लासिक एंटीबॉडीज है ना इसलिए वो टिश्यूज से ज्यादा पेनेट्रेट हो सकती है है ना और ज्यादा क्वांटिटीज में भी हमें देखने को मिल सकती है नैनो बॉडीज जो है स्टेबल होती है वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर्स तो ये देखिए क्या होता है कभी कभार आपको इसका यूज जो है ये भी पूछा सकता है ये पूरा एग्जाम ओरिएंटेड है ठीक है खासकर अगर हम देखते हैं तो प्रीलिम्स ओरिएंटेड हमें देखने को मिलता है या फिर आपको एग्जाम में भी आ सकता है कि वॉट आर नैनो बॉडीज एंड वॉट आर इट्स इंप्लीकेशन या फिर यूजेस जो भी आपको पूछा जाए ठीक है तो अच्छे खासे टेम्परेचर वेरिएशन में भी हमें यह देखने को मिलता है ओके okay, और नैनो बॉडीज जो है वो स्टेबल एट एक्सट्रीम पीएच लेवल तो यह भी एक बहुत बड़ी खासियत इसकी हमें देखने को मिलती है तो यही सारे फीचर्स आपको सीधे एग्जाम में आ सकते हैं नैनो बॉडीज नैनोबॉडीजो कंपेटेबल विद जेनेरिक इंजीनियरिंग मेथड्स तो यह भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है लिमिटेशन अगर हम देखते हैं तो लिमिटेशन क्या है मोनोक्लोनल पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज स्लाइटली सेफर टू प्रोड्यूस नैनो बॉडीज तो मतलब बहुत ही ज्यादा अगर आप एक्सट्रीम लेवल पर चले जाओगे नैनो बॉडीज जो है वो काम नहीं आएगी मतलब बायो हजार्ड रिजल्ट मेनली फ्रॉम यूज ऑफ हजार डेज टू फेजिस ठीक है ये अगर आप देखोगे तो फॉर सिलेक्शन ऑफ नैनो बॉडीज तो इसमें कुछ प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो सकते हैं पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज मेड यूजिंग सेवरल डिफरेंट इम्यून सेल जो हमारे इम्यून सेल है, है उससे ये बनते हैं ये भी काफी इंपॉर्टेंट है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज देखोगे तो आइडेंटिकल इम्यून सेल जो है उससे बनाए जाते हैं तो ये चीज आपको यहां पर पता रहना चाहिए ये बेटर है एज कंपेयर टू नैनो बॉडीज नेक्स्ट इस पर आते हैं फार्म लॉ देयर कॉन्स्टिट्यूशनल वैलडिटी एंड होप जी एस पेपर टू के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप देखोगे तो हमारा इंडियन एक्सप्रेस जो है उसमें भी एक आर्टिकल नजर आ रहा है तो यहां पर हम पार्लियामेंट जो है उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट जो है वो निकालने की कोशिश करेंगे उससे पहले आपके लिए एक प्रिलिम से रिलेटेड एक क्वेश्चन है आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है ये पहचाना है पहला है आर्टिकल वन ट्वेंटी टू जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो यहाँ पर प्रोटेक्ट करता है प्रोसीडिंग्स को जुडिशियल रिव्यू से मतलब यहां पर क्या है जो हमारी प्रोसीडिंग्स है जो हमारी प्रोसीडिंग्स हो रही है हाउस की लोकसभा की एंड राज्यसभा की उसकी जो प्रोसीडिंग्स है वो जुडिशियल रिव्यू से परे है ठीक है ये प्रोटेक्ट करता है कौन सा आर्टिकल 122 दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो यहाँ पर रिकोगनाइज नहीं करता है वॉइस वोट टू डिटरमाइन हैिटी इन द लेजिस्लेचर मतलब हमारा जो संविधान है वॉइस वोट जो होता है ना जो हमें देखने को मिलता है आर इन फेवर से, yeah, से no. ये जो हमें देखने को मिलता है वॉइस वॉइस वोट ये यहाँ पर हमारे संविधान ने रिकोगनाइज नहीं किया हुआ है मेजोरिटी देखने के लिए लेजिस्लेचर में तो यहां पर अगर आप देखोगे तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो सही है या गलत है और सेकेंड स्टेटमेंट सही है या गलत है इस तरीके से आपको करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है ये बताना है और फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पर बिल्कुल सही है सेकेंड स्टेटमेंट भी यहाँ पर बिल्कुल सही है जवाब इसका हमें सी देखने को मिलता है अब कैसे तो ये आपको आगे देखने को मिलेगा तो आइए सबसे पहले पार्लियामेंट पर नजर डालते हैं हमारे पार्लियामेंट में देखा जाए तो पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा बहुत सारे को दो ही पता है लेकिन हमारा राष्ट्रपति जो है वो भी इसके पार्ट है क्यों है क्योंकि जो भी बिल लाया जाता है फर्ज कीजिए कि यहाँ पर कोई बिल लाया गया है फिर ये बिल जो है पास होकर जाएगा राज्यसभा में यहाँ पर भी अगर वो पास हो जाता है फिर जाएगा वो राष्ट्रपति के पास राष्ट्रपति अपनी एसेंड देंगे और इस तरीके से जो बिल है वो यहाँ पर एक्ट में तब्दील हो जाएगा है ना तो इस तरीके से पार्लियामेंट का इसलिए जो प्रेसिडेंट है वो इंटीग्रल पार्ट है आर्टिकल हंड्रेड अब हम आ रहे हैं आर्टिकल हंड्रेड पर आर्टिकल हंड्रेड जो है वो ये कहता है कि ऑल द द्वेश्चन यहां पर एनी सिटिंग ऑफ आइदर हाउस ये यहाँ पर मेजोरिटी ऑफ द वोट से डिटरमाइन किया जाएगा मतलब प्रेजेंट एंड वोटिंग बेसिकली कैसा है कि प्रेजेंट एंड वोटिंग ये मतलब क्या हो गया कौन सी मेजोरिटी हो गई ये हो गई सिंपल मेजोरिटी है ना मतलब जो भी यहाँ पर क्वेश्चंस रहेंगे जो भी यहां पर मसला रहेगा वो मेजोरिटी ऑफ दी वोट से हल किया जाएगा प्रेजेंट एंड कहता है आर्टिकल हंड्रेड मेजोरिटी जो है ये डिटरमाइन की जा सकती है ओनली इन दी टर्म्स ऑफ नंबर इसलिए यहां पर बेसिकली क्या बोला गया है कि जो वोट्स है मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग वो रिकॉर्ड यहां पर जरूरी होता है मेजोरिटी जो है वो यहां पर डिटरमाइन नहीं की जा सकती है वॉइस वोट से इनफैक्ट अगर हम हमारा संविधान देखते हैं तो ये रिकोग्नाइज नहीं करता है डज नॉट वॉइस वोट टू डिटरमाइन रिकोगी इन द लेजिस्लेचर समझ रहे हो आप कैसे कैसे क्वेश्चंस आपको यहां पर आ सकते हैं नहीं तो हमें लगता है हाँ, ये तो है मतलब हमारे संविधान में दिया हुआ होगा ना यहां पर वॉइस वोट जो उसको रिकोगनाइज नहीं करता है यहां पर हमारा कन्वेंशन बना हुआ है कि यार हर बार हम वोट जो है वो हमारा वक्त बच जाएगा क्योंकि कैसा है कि जिसकी सरकार है बीजेपी की अभी सरकार है तो कैसा है कि हां चलो यार बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी ने अगर कोई बिल लेकर आई है तो उनके पास मेजोरिटी रहेगी ही इसलिए क्या ही हम यहां पर वोट जो है वो रिकॉर्ड करें इसलिए बोल दो भैया यस हाँ ठीक है यस ज्यादा लग रहे हैं तो बिल जो है वो पास हो गया हाउ वे डिसाइडिंग ए क्वेश्चन बाय द वॉइस वोट ये यहाँ पर प्रैक्टिस है ये लेजिस्लेचर में प्रिवेल हो रही है है ना लेकिन ये रूल के तहत बना हुआ है अब हम आते हैं आर्टिकल 122 पर आर्टिकल 122 ट्वेंटी टू जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये प्रोटेक्ट करता है प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस दउडिशियल रिव्यू से ठीक है अब जुडिशियल रिव्यू जो है वो यहां पर काम नहीं आएगा जो भी प्रोसीडिंग्स पर चल रही है लेकिन अगर कोई चीज अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से चल रही है 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 ना अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से चल रही हमारे संविधान का वॉयेशन हो रहा है तो ये चीज काम नहीं आएगी तो ये आर्टिकल 122 जो है वो काम नहीं आएगा समझ रहे आप सुप्रीम कोर्ट जो है राजा राम पाल केस उसने क्लैरिफाई किया हुआ है कि प्रोसीडिंग जो है वो चैलेंज हो सकती है

ये जो है फार्म लॉ की वो चैलेंज की जा रही है सुप्रीम कोर्ट में है ना और बेसिक इसका मुद्दा क्या है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो यहाँ पर जो एग्रीकल्चर है उस पर लॉज नहीं बना सकती क्योंकि ये स्टेट लिस्ट में आता है तो उस पर सरकार नहीं बना सकती है तो वाइलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ये एक मुद्दा जो है बड़ी प्रखिरते से देखने को मिल रहा है बड़ी शिद्दत से देखने को मिल रहा है लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पर मुद्दे जो है वो हमें देखने को मिलते हैं जिस पर लड़ा जा सकता है वो कौन से हैं वो यही है कौन से तो आर्टिकल 122 एंड पर पर आर्टिकल 100 अब वो कैसे? वो कैसे ऐसे कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो डिवीजन है रिकॉर्डिंग है वोट्स की बात मेंबर वो यहां पर क्या किया गया था जब राज्यसभा में था बिल तो राज्यसभा में रहने के बाद मेजोरिटी से पास होना चाहिए है ना मेजोरिटी से पास होना चाहिए अब क्या हुआ जब वॉइस वोट लिए गए उसके बाद यहां पर जो डिमांड है डिवीजन ऑफ वोट्स की वो यहाँ पर मांगी गई कि भैया रिकॉर्ड देख लेते हैं क्योंकि यहां पर पत, पता नहीं चल रहा है कि कैसा है क्या है लेकिन जो हमारे डिप्यूटी स्पीकर थे डिप्यटी चेयरमैन थे इनफैक्ट डिप्यूटी चेयरमैन जो थे राज्यसभा के उन्होंने बोला कि नहीं 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 यहाँ पर तो पास हो गया है ना डिप्यूटी चेयरमैन जो हाउस के उन्होंने बोला कि भैया कंडक्ट करने की जरूरत ही नहीं है हा क्या क्या बात कर रहे हो जरूरत ही नहीं है यार मतलब क्यों 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 करना चाह रहे हो नहीं बिल्कुल जरूरत नहीं है ओपनली यहां पर हमें पता चला है कि आ, हम ये मेजोरिटी है कि यहाँ पर पास करना है करके लेकिन यहाँ ओपनली एंड लाउडली डिमांड किया गया डिवीजन का और ये जब डिवीजन की डिमांड की जाती है उस टाइम पर वो करना पड़ता है अगर किसी एक ने भी बोला है ठीक है कोर्ट जो है यहाँ पर होल लॉ को स्ट्रक डाउन कर सकता है एज रिक्वायरमेंट ऑफ आर्टिकल एक ये जो है फुलफिल नहीं हुआ है अब ये 107 आर्टिकल क्या है ये जो आर्टिकल है ये बोलता है कि बिल जो है ये पास नहीं हुआ है ऐसा कंसिडर किया जाएगा अगर ये दोनों ही हाउस से अग्री नहीं होता है तो दोनों ही हाउसेज से अग्री होना जरूरी है दोनों ही हाउसेज से मेजोरिटी से पास होना जरूरी है अब यहाँ पर जो राज्यसभा है उसे धोखाधड़ी से पास किया गया है तो इस बेसिस पर भी यहाँ पर कोर्ट में जा सकता है और कोर्ट जो उसको स्ट्रक डाउन कर सकती है ऐसा पूरा सिनारियो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है समझ में आया आपको अब यहाँ पर पार्लियामेंट की जब हम बात करते हैं तो देखिए पार्लियामेंट जो है ना उसमें काफ़ी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं एक तो सबसे पहला चैलेंज है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स में क्रिमिनलाइजेशन जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है जिसके वजह से क्या हो रहा है कि हमारा फ्री एंड फेयर इलेक्शंस है वो यहाँ पर कंडक्ट नहीं करवाए जा रहे हैं जिससे क्या हो रहा है हमारा डेमोक्रेसी जो उसका हनन हो रहा है दूसरा है एनआरक जो डोमिनेंस है लॉज है उसका डोमिनेंस यहाँ पर हमें देखने को मतलब जो पहले के जमाने से 1861 का एक्ट बोल जो भी यहाँ पर पुराने जमाने के लॉज चलते आ रहे हैं वो अभी भी उसका बेस जो है हम पकड़े हुए हैं है ना जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं उनका बायस बिहेवियर स्पीकर बोलिए है, है ना या फिर चेयरमैन बोलिए वो क्या होते हैं वो यहाँ पर बायस जो तरीके से काम करते हैं जो गवर्नमेंट है उनके फेवर में काम करते हैं जिससे कि यहाँ पर क्या हो रहा है जो बिल है उसको भी लाने में तकलीफ होती है और अपोजिशन जो है वो भी काफी वीक है अगर आप देखोगे तो जो ब्रिटेन है वहां पर हमें सैडो कैबिनेट देखने को मिलती है है ना तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये हम यहाँ पर ला सकते हैं जिसके तहत क्या होगा जो अपोजिशन है उसको हम यहां पर स्ट्रांग बना सकते हैं अपोजिशन स्ट्रांग रहेगा तो गवर्नमेंट जो है वो डिक्टेटरशिप नहीं ला सकती है तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रहे हैं तीन चार प्रॉब्लम्स जो आपको यहां पर तैयार करने पड़ेंगे पार्लियामेंट से रिलेटेड तो ओवर द टाइम हम यहां पर तैयार कर लेंगे क्लियर है पूरा कॉन्सेप्ट चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट यहाँ पर आ रहा है गेटिंग दी वैक्सीन राइट जीएस पेपर थ्री के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है अब यहाँ पर क्या है प्रॉब्लम जो है वैक्सीनेशन का देखिए क्या है लोगों को भरोसा रहना बहुत ज़रूरी है लोगों को अगर भरोसा ही नहीं है कि वैक्सीन जो है ये प्रॉपर तरीके से दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं वैक्सीन जो है क्या ये सेफ है या नहीं है है ना और उसी के साथ साथ जो वैक्सीन है क्या ये हमें प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट कराई जाएगी नहीं तो क्या होता है ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर जो गरीब इंसान है जिसको वैक्सीन जो है वो देना है गवर्नमेंट की तरफ से तो ये वैक्सीन उसको दे दी गई है ऐसा बोला जाएगा और फिर ये जो वैक्सीन है ये प्राइवेट इसको बेच दी जाएगी जिससे कि जो अमीर लोग हैं उनसे पैसे अटे जाएंगे कि हाँ भैया लाओ 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 पैसे लाओ आपको वैक्सीन मिलेगी ये होगा वो होगा जैसे पी सिस्टम के वहाँ पर होता है ना पी सिस्टम में क्या होता है कि जो अनाज है जो दो रुपये पर के जी थ्री पर के जो है वो देना पड़ता है तो ये उनको बोल देते हैं कि खत्म हो गई भाई साहब अब ये खत्म हो गया है आपका जो अनाज है वो खत्म हो गया और ये जो अनाज है प्राइवेटली बेचा जाता है दूसरी जगह पर है ना तो इसी तरीके से वैक्सीन जो है उसका भी यहां पर हो सकता है तो मतलब बेसिकली क्या है कि जो लोग हैं उनमें ट्रस्ट आना चाहिए तो अब इम्प्लीमेंट हम कैसे कर सकते हैं तो पहली चीज जो हमें देखने को मिलती है वो ये है ये मेन्स परस्पेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेंस से सीधा क्वेश्चन आपको आ सकता है यहाँ पर ठीक है तो स्टेट जो है वो प्रिपेयर रहना चाहिए फॉर द एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन मतलब क्या है कि जो इम्यूनाइजेशन यहाँ पर प्रोग्राम चलाया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से उसके बाद जो भी एडवर्स इफेक्ट होंगे या फिर इवेंट होंगे उसके लिए गवर्नमेंट ने प्रिपेयर रहना चाहिए अब आप बोलोगे कि पहले एडवर्स इफेक्ट है इम्यूनाइजेशन देने वैक्सीन देने के पहले एडवर्स इफेक्ट चल रहा है कोरोना वायरस से लोगों की मौत हो रही है सब हो रहा है तो उसके बाद क्या होगा देखिए क्या होता है जब वैक्सीनेशन होता है ना उसके बाद भी कुछ उसके सिम्टम्स दिखते हैं साइड इफेक्ट्स दिखते हैं है, है ना मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वैक्सीनेशन के बाद अगर आप देखो सेवरल यूएसए में अगर आप देखोगे तो सीवियर एलर्जिक रिएक्शन जो है वो देखने को मिली है कोविड नाइन्टीन वैक्सीन के बाद तो इसीलिए यहाँ पर स्टेट जो है अगर हमारे देश में ऐसा कुछ होता है तो इमीडिएटली उस इशू को एड्रेस करना बहुत जरूरी है हमारे देश में जो नेगेटिव चीज़ें वो तो बहुत तेज़ी से फैल जाती है अगर एक को कुछ हो गया मतलब टेम्परेचर रहा अगर 48 एट आवर्स तक अगर वीकनेस रही तो फिर क्या होगा इमीडिएटली यहाँ पर चीज़ें जो है वो फैल जाएगी और फिर लोग जो है वो भागेंगे है ना अदरवाइज यहाँ पर अंडरमाइंड पब्लिक कॉन्फिडेंस जो है वैक्सीन में चला जाएगा कि भैया वैक्सीन में कोई मतलब नहीं है इसको लेने से कुछ होने वाला नहीं है इसलिए यहाँ पर स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो है वो यहाँ पर जगह पर रहना चाहिए कि यहाँ पर जो कोई भी प्रॉब्लम आता है उसको डील करने के लिए और लीगल इशूज भी अगर निकल कर आते हैं किसी को अगर टेम्परेचर आ गया वो बोलेगा भैया मेरा आर्टिकल ट्वेंटी वन हुआ है ऐसा वैसा फलाना डिमकाना है ना तो लीगल इशूज के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा दूसरा अगर हम देखते हैं इनिशियली स्टेट जो है उन्होंने वैक्सीनेटिंग पीपल विथ कॉमोबिटीज़ ठीक है एल्डरली डिसाइडिंग यहाँ पर जो है उनको यहाँ पर प्रायोरिटाइज करना चाहिए मतलब अगर आप और मैं मतलब समझ लीजिए uh, मतलब 25 साल से 30 साल के बीच में जो लोग हैं वो अगर जा रहे हैं ठीक है थीके? हमको वैक्सीनेशन दो और वहाँ पर अगर पैंसठ साल के ऊपर वाले लोग आए हैं तो यहाँ पर प्रायोरिटी जो है वो इनको देनी चाहिए है ना कि यहाँ पर ये तो ठीक है भैया ये तो ज़िंदा रहेंगी इनको ज़िंदा रखना बहुत ज़रूरी है हमारे देश के लिए ठीक है ये ज्यादा टारगेटेड अप्रोच इन दी फर्स्ट फेज स्पेशली जहां पर अवेबिलिटी जो है वैक्सीन की काफी कम है तो ऐसे सीनारियों में यहां पर प्रायोरिटाइज़ करना बहुत जरूरी है तीसरी चीज जो हम यहां पर कर सकते हैं वो क्या है कि वैक्सीनेशन जो है पोटेंशियली यहाँ पर सार्स को टू वायरस कैरी कर रहे हैं और उसी के साथ साथ स्पेशली फैमिली मेम्बर्स जो है उनको हो सकता है जैसे कि अगर जिनको वैक्सीनेशन मिल गया अगर मुझे वैक्सीनेशन मिल गया तो मतलब मुझे जो वायरस है अगर वो मेरे अंदर घुसता भी है तो मुझे इन्फेक्ट नहीं करेगा लेकिन मैं एज़ अ कैरियर उसका बन जाऊँगा मतलब असिम्टोमेटिक पेशेंट जो है उस तरीके का आप समझ लो है ना तो इसीलिए क्या है कि यहाँ पर जो केयर गिवर्स है जो फैमिली मेम्बर्स है उनको भी यहाँ पर वैक्सीनेशन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है उनको भी यहाँ पर वैक्सीनेशन जो है वो चाहिए फोर्थ अगर हम देखते हैं, तो वी डो नॉट नो वेक्सिन मतलब क्या होता है कि जब आप वैक्सीनेट कर रहे हो कितने परसेंट चांसेस है कि आप बच जाओगे मतलब समझ लो कि आपको वैक्सीनेशन दिया गया है और कोई दूसरा इंसान है उसको वैक्सीनेशन नहीं दिया गया है ठीक है और क्या हुआ है कि आपको जब वैक्सीनेशन दिया गया है तो 50 परसेंट आपके चांसेस है कि आपको नहीं होगा 50 परसेंट चांसेस है कि आपको होगा तो इसको हम बोलते हैं इफिकेसी ठीक है तो वैक्सीन जो है उसकी यूनिफॉर्म इफिकेसी रेट रहे और उसी के साथ यहाँ पर इफिकेसी रेट हमें पता रहे कि इम्यून इमेच्योर इन्फेंट्स चिल्ड्रन प्रेग्नेंट वुमेन है ना ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर पता रहे और उस तरीके से इफिकेसी के हिसाब से हम यहाँ पर जो वैक्सीनेशन है वो प्रोवाइड करें ये बहुत ज़रूरी है नेक्स्ट फिफ्थ अगर हम देखते हैं तो नीड है जरूरत है फॉर इन्वॉल्विंग द प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट सेक्टर को भी डिलीवरी में एडमिनिस्ट्रेशन में क्योंकि प्राइवेट सेक्टर आता है तो भाई साहब सारी चीजें लाइन पे आ जाती है है ना इससे बर्डन जो है पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ का वो रिड्यूस हो जाएगा नहीं तो भैया लाइन की लाइन लगी हुई है मतलब नहीं है डॉक्टर जो है प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम में वो यहाँ पर ग्रेट एसेट हो सकते हैं यहाँ पर एक प्रोग्राम कैरी आउट करने के लिए और अगर कोई प्रॉब्लम भी आता है तो उससे भी डील करने के लिए तैयार रहेंगे सिक्स अगर हम देखते हैं तो जो भी यहाँ पर वैक्सीन को अफोर्ड कर सकता है समझ लो अगर वैक्सीन की जो कॉस्ट है वो अगर हम रखते हैं यहाँ पर पाँच हज़ार रुपये ठीक हैफोर्ड्स कीजिए पाँच हज़ार रखते हैं नॉर्मली ठीक है नॉर्मली तो ये अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो भैया ओपन मार्केट से खरीद लो है ना जैसे पी फीजर जो है हेट्स आउट तो परमिशन टू इम्पोर्ट दी वैक्सीन फॉर सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन द कंट्री तो इससे क्या होगा इससे यहाँ पर जो प्राइवेट हेल्थ केयर स्ट्रक्चर है है ना वो यहाँ पर मतलब बेसिकली अगर आप देखोगे तो जो हेल्थ केयर सेक्टर है उसमें भी यहाँ पर बढ़ोतरी हो जाएगी सेवेंथ अगर हम देखते हैं तो प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन और पी एस जो है उनको अलाउ करना चाहिए कि वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो हेल्ड करे अपने एम्प्लॉइज के लिए जैसे कि यूए में हुआ कि आओ भैया हमारे यहां पर एम्प्लॉयज है हम यहां पर ड्राइव रख रहे हैं हम यहां पर हमारे जो एम्प्लॉयज हैं उनको वैक्सीनेशन प्रोवाइड कर रहे हैं इस चीज के लिए ऐसे भी यहां पर हो सकता है जैसे कि पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज़ है उनका वर्कलोड यहां पर कम हो जाए कि भैया ये ऑर्गेनाइजेशन जो है खुद यहां पर ड्राइव रख रही है ठीक है और एट अगर हम देखते हैं यूनाइटेड नेशन ने प्रोक्लेम किया है डिसम्बर ट्वेंटी सेवन एज द इंटरनेशनल डे ऑफ फॉर एपेडेमिक प्रिपेयरनेस तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है इंडिया ने प्रिपेयर करना चाहिए खुद को पेंडेमिक से फाइट करने के लिए ठीक है वैक्सीनेशन ड्राइव इज मोस्टली डिसेंट्रलाइज प्रोसेस ठीक है जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो भी यहाँ पर लिस्ट बनाएगी हेल्थ केयर कम्यूनिटीज फ्रंट फॉर वर्कर्स ये सब रहेगा तो उसके लिए क्या है नेशनल हेल्थ आईडी जो है ये बनाना बहुत इंपॉर्टेंट मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगी है इस पूरे एडिटोरियल की नेशनल हेल्थ आई जिसको लिंक किया जाएगा हमारे आधार के साथ ठीक है उससे क्या होगा उससे ये नहीं होगा कि एक इंसान जो है उसको मिला या नहीं मिला नहीं तो क्या बोलेंगे हाँ इसको मिल चुका है भाई साहब लेकिन उसकी फिंगरप्रिंट ही नहीं रहेगी तो कैसे है ना तो यहाँ पर क्या होगा इस तरीके की मिसकनसेप्शन नहीं हो सकते तो क्या है यहाँ पर बेसिकली अगर हम नेशनल हेल्थ आई बना लेते हैं उसको अगर हम लिंक कर देते हैं आधार के साथ तो फिर यहाँ पर चीज़ें जो है ज़्यादा सॉर्ट आउट हो जाएगी है ना यहाँ पर लोगों को काफ़ी ईजी होगा रिकोगनाइज़ करने के लिए ओके राइट टाइम टू फॉर नेशनल हेल्थ आईडी जिससे कि हम फ्यूचर के लिए भी बेटर प्रिपेयर्ड रहे हमें क्योंकि उसकी इन्फॉर्मेशन जो है पूरी रहेगी तो ये पूरा मसला जो है यहाँ पर दिया हुआ है इस आर्टिकल के तहत अब यहाँ पर देखिए कुछ यहाँ पर प्रिलिम्स ओरिएंटेड हमें आर्टिकल्स भी देखने को मिलते हैं जैसे कि बस्टर्ड जो है उसके बारे में हमें यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखने को मिलता हैं बस्टर्ड जो है लार्ज टेरिस्ट्रियल बर्ड है जो सेवरल स्पीशीज इंक्लूडिंग सम ऑफ लार्जेस्ट फ्लाइंग बर्ड में देखने को मिलते हैं टू डिस्टिंग स्पीशीज जो है हॉनबारा बस्टर्ड का क्योंकि हॉनबारा बस्टर्ड ये काफी न्यूज में है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन रिकॉन्नाइज टू डिस्टिंग स्पीशीज इसमें नॉर्थ अफ्रीका का है और एशिया का है ठीक है हैबिटेट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हॉनबारा जो बस्टर्ड है एक्सटेंड ऑफ नॉर्थ ईस्ट एशिया सेंट्रल एशिया मिडल ईस्ट इन सब में हमें देखने को मिलता है इजिप्ट तक जाता है और उसी के साथ साथ डिक्लाइन जो है वो काफ़ी ज्यादा हमें देखने को मिल रहा है क्योंकि पोचिंग अनरेगुलेटेड हंटिंग ये सब हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं अगर हम कंजर्वेशन स्टेटस देखते हैं IUCN का vulnerable है अपेंडिक्स वन में है एंड अपेंडिक्स टू में है तो ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि सीधा प्रलियम्स ओरिएंटेड क्वेश्चन आपको इस पर आ सकता है नेक्स्ट अगर हम देखते हैं अगर फ्रंट पेज देखते हैं फर्स्ट पेज देखते हैं तो उसमें हमें स्पेशल मैरिज एक्ट पर अलाहाबाद हाईकोर्ट जो है उसका यहां पर एक डिसीजन देखने को मिलता है अब देखिए क्या था अभी तक अगर किसी को इंटरकास्ट uh, मैरिज करनी है या इंटर रिलीजन मैरिज करनी है उसमें ऐसा था कि उनको तीस दिन का तीस दिन पहले उनको नोटिस डालनी पड़ती थी कि देखो भैया हम शादी कर रहे हैं अगर किसी को भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो फिर वहां पर आकर तकरार कर सकते हैं ठीक है लेकिन यहाँ पर अलाहाबाद कोर्ट ने क्या कहा है ये तो भैया आर्टिकल आपका जो 21 है राइट टू तो प्रिवेसी उसके तो अगेंस्ट में जा रहा है है ना तो जीएस पेपर टू के लिए काफी इम्पॉर्न हो जाता है स्पेशल मैरिज एक्ट अगर हम देखते हैं 1954 का तो ये लेजिस्लेशन है जो यहाँ पर वैलिडेट एंड रजिस्टर इंटर रिलीजियस एंड इंटरकास्ट मैरिज इन इंडिया उसके लाया गया दो इंडिविजुअल को देयर मैरिज थ्रू सिविल कॉन्ट्रैक्ट ठीक है उससे अगर करते हैं कोई भी रिलीजियस फॉर्मेलिटी जो है जरूरी नहीं है टू कैरी आउट अंडर दी एक्ट ठीक है अब इसमें आप देखिए प्रोविजन जो दिए गए हैं स्पेशल मैरिज एक्ट में सेक्शन फोर जो है कुछ कंडीशन दी गई है अगर आपको इंटर रिलीजन मैरिज करना है तो यहां पर नाइदर ऑफ द पार्टी शूड लिविंग यहां पर किसी का रहना नहीं चाहिए जो जिंदा हो ठीक है दोनों ही पार्टी जो है कैपेबल रहना चाहिए एसेंट देने के लिए कंसेंट देने के लिए कि हाँ भैया हम यहां पर शादी कर रहे हैं और पार्टी जो है वो प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशन एज प्रिस्क्राइब्ड अंदर द लॉ उसमें नहीं रहना चाहिए कि भैया नहीं ये तो हो ही नहीं सकती ये शादी नहीं हो सकती ऐसे ठीक है मेल जो है वह इक्कीस का रहना चाहिए महिला जो है वह अठारह की रहनी चाहिए सेक्शन फाइव एंड सिक्स अगर हम देखते हैं नोटिस जो उनके मैरिज की वो देना जरूरी है ठीक है थर्टी डेज पहले तीस दिन पहले उनको नोटिस देना जरूरी है कि देखो हम ऐसे शादी करने वाले हैं होंगे कोई आता है तो फिर वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगे ठीक है अगर किसी को भी ऑब्जेक्शन है वो यहाँ पर कंप्लेंट जो है फाइल कर सकते हैं फिर मैरिज जो है वो रिजेक्ट भी की जा सकती है लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बोला कि भैया ये, ये जो है आर्टिकल ट्वेंटी वन जो उसके अगेंस्ट में जा रहा है है ना तो इसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं जैसे कि अगर आप देखो कि बेसिक जजमेंट जो है यहां पर सुप्रीम कोर्ट के आधार केस जिसमें राइट टू प्रिवेसी के बारे में बोला गया है हडिया मैरिज केस इसमें राइट टू चूज पार्टनर ये फंडामेंटल राइट right है ये बोला गया है तो ये आपको केसेस के बारे में पता रहना चाहिए कभी कभार क्या होता है आप मेन्स में अगर केसेस कोर्ट करते हो ना तो ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है या फिर नवतेज जोहर यूनियन ऑफ इंडिया अगर आप देखोगे तो डीक्रिमलाइज होमोसेक्सुअलिटी स्ट्राइकिंग डाउन सेक्शन 377 सेवन सेवन ऑफ आईपीसी है ना तो ये हमें देखने हो, इसके तहत यहाँ पर कोर्ट बोल रहा है कि ये तो हमारा आर्टिकल जो है वो राइट टू प्रिवेसी इसके अगेंस्ट में जा रहा है तो फिर ये सब नहीं होना चाहिए ये जो है इसको स्ट्रक डाउन कर देना ही सही है अब वर्ल्डिंग के बेनिफिट क्या है

ठीक है माघी मेला यह हमें देखने को मिलता है ये बेसिकली अगर आप देखोगे ऑकेजन है द ऑफ हु फॉट फॉर गुरु गोविंद सिंह जी ठीक है अब ईव ऑफ माघी यहाँ पर कॉमन इंडियन फेस्टिवल है ऑफ लोरी यहाँ पर जो बोनाफायर है वो यहां पर लगाए जाते हैं सिग्निफिकेंस अगर हम देखते हैं तो ऑनर द हीरोइक फाइटिंग ठीक है यहाँ पर अगर आप देखोगे तो उनके लिए होता है और हिस्टोरिक बैकग्राउंड अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हिस्टोरिक बैकग्राउंड ट्वेंटी नाइन डिसम्बर सेवेंटी जीरो फाइव बॉडीज जो है क्रीमेटेड किए गए थे फॉलोइंग डे पर ठीक है फर्स्ट ऑफ मग ओके फेस्टिवल का जो फर्स्ट है तो इसलिए हाँ यहाँ पर एंड टू एंड जो रिसाइटल्स है अब गुरु ग्रंथ साहिब रिलीजियस डिवाइन ये हमें देखने को मिलता है तो ये चीज़ भी आपको थोड़ी पता रहना चाहिए सीधा आपको मांगी किससे रिलेटेड है ये ऐसे क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में आ सकते हैं तो यहाँ पर हमारा वीडियो जो है वो खत्म होता है वीडियो अगर पसंद आता है तो शेयर जरूर कीजिए मिलते हैं अगले वीडियो में जय हिंद